चलिए सियासत की एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। फातमी, एम ए फातमी जो कि आरजेडी के नेता थे कल तक, आज जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि और तरह से हमारी पहचान अलग है और इसलिए जो साथ साथी हमारे यहां उनसे हम यही आग्रह करते हैं, दल की सक्रियता यदि आवश्यक है तो दल के ऐसे कार्यक्रम जो चलते हैं महिला सशक्तिकरण का, इसमें भी जो प्रार ढंग से लगने का प्रयास करना चाहिए। आज इस का विशेष मैंने उल्लेख इसलिए किया, राजनीतिक जगत भारत का हमारे पुराने साथी हैं मम्मी मंडल जी, समाजवादी साथी भी हैं और हम लोग उस परिधि से एक साथ आए हैं जहाँ ट्रेनिंग कैंप्स, जहाँ प्रशिक्षण, जहाँ तर्क और बहस की जगह गुंजाइश और उसके आधार पर निर्णय लिया। आज राजनीति में कुछ ही दम ऐसा है जो इन सीमाओं के अंदर कैद होकर के काम करता है, लेकिन जनता दल के अंदर है और जनता दल अभी इस ढंग से, मैं तो यह मार्ग बनाया हूँ, पहले राजमार्ग किसान के कुछ विशेष वर्गों के लिए थी, नीतीश कुमार ने राजमार्ग किसान के सबको लिए, तो मैं आपको इसलिए स्वागत करता हूँ, बहुत बड़ी बात। और आप एक ऐसे अंचल से आते हैं जो समाज का समन्वित स्वरूप को रिप्रेजेंट है और वहां की संस्कृति भी कुछ अलग है। मिथिलांचल जिसकी सबसे ज्यादा सांस्कृतिक पहचान इस बिहार में है भाषाई दृष्टिकोण से और साथ साथ एक समन्वयवादी स्वरूप प्रस्तुत करने में दरभंगा मुजफ्फरपुर इन सब जगहों का, इसलिए हमको लगता है आप जब सदस्यता ग्रहण करने थे और अच्छे मौके पर आ पाए, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, जितने लोगों का आपने नाम बताया है प्रखंड अध्यक्ष पदाधिकारियों का नाम और तो मैं खूब जानता, जिस आदमी की जनता ने कई बार परीक्षा ले लिया है उसके समर्थकों की संख्या तो बड़ी पैमाने पर होती है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में आप मेंबर बनाएंगे और इस पार्टी को एक और मजबूत धार देने का प्रयास। धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करूंगा आपकी साहब से दो शब्द ऐसा करते, जनता दल यू के माननीय अध्यक्ष, हम लोगों के बड़े भाई श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, हम लोगों के पड़ोसी भी और बराबर एक भाई की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और राज्यसभा में भी रहे, जनाब मंगनीलाल मंडल जी, जनाब संजय सिंह जी, संजय गांधी जी, तनवीर अनवर साहब, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी तो हमारे जब मैं पहली मरतबा राजनीति में कदम रखा था, नौकरी छोड़ के सऊदी अरब से आए थे तो 89 से हमारे साथी हैं, मैं मेरे दोस्ती हैं। नवीन आर्य जी, अनिल कुमार जी, हमारे इरशादुल्ला भाई अगर हों नजर नहीं आ। तो अली अशरफ फातमी जो कभी लालू के करीबी रहे,